स्वच्छादिरुद्यम शुक परिविलसन मौलिमं भोजनेत्रम कालांबुदोज्वलांगं कटितट विलसत चारुपीतांबराढ्यं वंदे निखिल गदमिव प्रौढदावाग्निनीलम् प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जिस टॉपिक पे बात नहीं किया जाता है। मतलब सबको मालूम होता है कि जो लोग बूढ़े लोग रहते हैं वो अचानक अगर उठ जाते हैं तो उनको ना चक्कर आने लगता है क्योंकि लो बीपी हो जाता है। तो इसको हम ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन ऐसे बोलते हैं, जब ब्लड सर्कुलेशन है ब्रेन में वह कम होने लगता है। सिंपल भाषा में यही है, तो चक्कर आने लगता है। या फिर आप लोगों ने भी ऐसा अनुभव किया होगा या आपके घर में भी कुछ लोगों ने बताया होगा कि हम अचानक उठते हैं तो हमें कुछ ऐसे सुन्न लगता है और चक्कर आने लगता है। तो हम आज इसी पे बात करेंगे। तो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन जो रहता है ये पोस्चरल हाइपोटेंशन रहता है। इसमें थोड़ा सा ना ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है और जब ये हम लोग बैठ जाते हैं या फिर हम लेट जाते हैं तो वो फिर से ठीक हो जाता है। तो ये क्यों होता है इसका हम पूरा डिटेल में हेतु लिंग औषध से समझेंगे। मैं जो भी बता रहा हूँ यह हैरिसन की बुक जो है हमारा मेडिसिन का इंटरनल मेडिसिन उसका रेफरेंस लेके बता रहा हूँ और कुछ अपने सर लोगों का जो नोट्स है उससे मैं बता रहा हूँ। तो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन को हम लोग ये बोलेंगे कि आयुर्वेद के हिसाब से कहीं ना कहीं यहाँ पे रस क्षय हुआ है या फिर मूर्छा जैसा तकलीफ हो रहा है या पित्त और वात की वृद्धि हो रही है। और वो भी कहाँ हो रही है, पित्त और वात की वृद्धि रस धातु में हो रही है। ये कैसे हो रही है मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन इतना ये जो शब्द है वो कान में पढ़ने दीजिए, तब आगे जब मैं बताऊंगा तो आप लोगों को और अच्छे से समझ आएगा। तो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन रहता है ना, इसमें क्या रहता है कि ब्लड प्रेशर जो रहता है वह ब्रेन की तरफ जो जा रहा है जो स्पीड से प्रेशर जाना चाहिए वह कम हो जाता है। और जब भी इंसान खड़े होता है तो इसमें क्या होता है कि ब्लड फ्लो जो ब्रेन को हो रहा है वह थोड़ा कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। और यह ज्यादातर जो 60 साल से ऊपर के जो लोग रहते हैं उनके में यह ज्यादा पाया जाता है। जो डायबिटिक पेशेंट है उनको भी यह ज्यादा पाया जाता है। तो उसके वजह से क्या होता है, तो भ्रम होता है, कंफ्यूजन होता है बहुत ज्यादा, आंखों के आगे अंधेरा छाता है और डिजीनेस होता है, ऐसे कुछ तो घूम रहा है, कुछ तो अजीब तरह का संवेदना ऐसा इंसान को लगता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें कभी कभी हार्ट की भी बीमारियां रहती है जैसे वॉल्वुलर डिजीज, वॉल की बीमारियां हैं, ट्राइकस्पेड वॉल्व बाइकस्पेड वॉल्व का अगर है या वेंट्रिकल वॉल्व में कुछ डिफेक्ट है या फिर हार्ट का रिदम में एबनॉर्मेलिटीज है उसके वजह से भी ये होता है। और ये क्लियरली हैरिसन की बुक में क्लियरली बताया गया है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन के कॉजेज में बताया गया कि ऐसा होता है। और कभी कभी क्या होता है कि अगर डायूरेटिक्स है जैसे डाइटोर है फ्रुसेमाइड लूप लूप ये है डायूरेटिक्स है,
तो उसका साइड इफेक्ट होता है जिसमें बहुत ज्यादा यूरिन करा दिया जाता है। अब हमारा भी डायूरेटिक है, हम लोग गोक्षुरादि कुकुल चंद्रप्रभावटी तृण पंचमूल क्वाथ वरुणादि क्वाथ पुनर्नवासव ये सब हम डायूरेटिक देते हैं, लेकिन हमारा डायूरेटिक और एलोपैथी का डायूरेटिक में बहुत ज्यादा फर्क है। हमारा जो है वह मूत्र प्रवृत्ति और मूत्र विरेचन नेचुरल वे से कराता है, एलोपैथी के जो डायूरेटिक है वो पूरा निचोड़ देता है किडनी पे, बहुत ज्यादा वहां पे एंजाइम्स पे उसका इफेक्ट होता है पूरा बॉडी में, और उसके वजह से निचोड़ के यूरिन को कराता है, तो उसके वजह से पूरा ब्लड प्रेशर जो है वह किडनी की तरफ जा रहा है, तो पूरा बॉडी का जो ब्लड प्रेशर वो फ्लक्चुएट होता है। तो डाययूरेटिक अगर हायर डोज में दिया जाए एलोपैथी का, तो उसके वजह से भी ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन होता है। आप लोगों को भी ऐसा पता चला होगा, आप लोग अगर किडनी के पेशेंट देखते हैं या एक्यूट रिनल फेलियर या क्रॉनिक रिनल फेलियर, तो उनमें भी ऐसा पता चलता होगा कि उनको ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन मिलता है, डाययूरेटिक से चक्कर आते हैं ऐसे। उसी तरह से अगर किसी को सीवर वॉमिटिंग हो गया, उल्टी आ गया, या फिर डायरिया हो गया, पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है, या बहुत ज्यादा यूरिन आ रहा है, अगर किसी को बहुत ऐसे सो के उठा है और उसने यूरिन करके आया और बहुत ज्यादा यूरिन हुआ और उसके बाद में उसको थोड़ी देर कुछ चक्कर आता है, ऐसा कंडीशन होता है, या फिर वॉमिटिंग हो गया, डायरिया, लूज मोशन बहुत ज्यादा हो रहा है तो भी उसको चक्कर आता है, पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है, कहीं ना कहीं फ्लूइड का इम्बैलेंस हो रहा है, और हाइपोटेंशन, शरीर का जो क्लेद है वो कम होने की वजह से भी ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन होता है। इसी तरह से एलोपैथी की बहुत सारी दवाइयां हैं, जैसे कि अगर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं अपने, वो दे दिया गया, उसका ओवरडोज हो गया और जहां जरूरत नहीं है वहां दे दिया गया, नाइट्रेट्स दे दिया गया, नाइट्रेट जैसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दे दिया गया, एसी इनहिबिटर्स दवाइयां दे दी गई, या फिर कोई लोग अल्कोहल बहुत ज्यादा पी रहे हैं, उसके शरीर को साथ में नहीं है लेकिन वो अल्कोहल ओवरडोज में पी रहा है, या ब्रेन के लिए एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां बहुत ज्यादा खाई जा रही हैं, साइकेट्रिक दवाइयां जो रहती है ना डिप्रेशन को दूर करने के लिए, तो उनका साइड इफेक्ट में भी ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन मिलता है। जो भी मैं बता रहा हूँ ये क्लियरली मैं बता रहा हूँ, हैरिसन के न्यू एडिशन का जो बुक है उससे मैं बता रहा हूँ, ये ऐसी ही चीजें लिखी गई हैं। इसी तरह से हैवी एक्सरसाइज जो करता है उसको ये होता है, अगर उसने बहुत ज्यादा गुरु आहार खाया, हैवी फूड खाया, उसके वजह से भी क्या होता है कि एक्सरसाइज किया या फिर बहुत ज्यादा खाना खाया तो सारा ब्लड सर्कुलेशन कहाँ होगा, इंटेस्टाइन में होगा, पेट में होगा, तो उसके वजह से वो अचानक उठेगा ना तो ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन हो जाता है, क्योंकि सारा ब्लड सर्कुलेशन कहाँ जा रहा है, खाने को पचाने के लिए हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में जब पेशेंट को बार बार हो रहा है उठने पे, तो कुछ लोग क्या बोलते हैं कि कान का जो ये होता है ना कान, उसको नीचे के साइड से खींचने से ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है, ये ठीक है, बहुत सारे उपाय बताए जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें ब्लड प्रेशर नापना है पेशेंट का कि बैठने के टाइम पे क्या हो रहा है, स्टैंडिंग में क्या हो रहा है, लाइंग पोजीशन, लेटने पे क्या हो रहा है। और डायबिटिक पेशेंट को तो ये बहुत ज्यादा कॉमनली देखा जाता है, या जो पेशेंट जो बेड रिडन रहते हैं, डायबिटिक वुंड के वाले पेशेंट, गैंग्रीन वाले पेशेंट, तो उनमें भी वो अचानक उठते हैं ना तो उनको ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन, या फिर कोई भी व्याधि से ग्रसित, किसी को बुखार आ गया है, या फिर बहुत दिनों तक लेटे हैं अचानक उठने का कोशिश करेंगे, उनको ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन होता है। इसमें सबसे ज्यादा क्या रहते हैं, आंखों के आगे अंधेरा छाना या धुंधला दिखाई देना, ब्लर्ड विजन जो बोलते हैं, उसी तरह से सिर जो एकदम हल्का हो जाना, मतलब सिर में कुछ है ही नहीं, ऐसे लगता है लाइट हेडेडनेस ऐसे होता है, डिजीनेस होता है, और ये अगर एक्सरसाइज करें या खाना खा लिए तो ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ऐसा जिसको शुरुआत हो गई तो बहुत ज्यादा ये होने लगता है। तो हम लोग ऐसे पेशेंट लोगों को क्या बोलते हैं कि आप जब भी चक्कर आ रहे हैं तो आप बैठ जाइए उधर और धीरे धीरे खड़े होने का कोशिश करिए, एकदम जल्दी से नहीं उठना है, अगर आप बैठने का भी कोशिश कर रहे हैं तो आप धीरे से एक पलटी मारिए, एक साइड में राइट साइड में पलटिए, फिर सीधा करिए, फिर धीरे धीरे उठिए, ऐसा हम लोग बोलते हैं कि तुरंत ही वैसा प्रॉब्लम ना हो कि ब्लड प्रेशर कम हो रहा है ब्रेन में। उसी तरह से कुछ इलास्टिक स्टॉकिंग्स पहनने को बोलते हैं, तो उससे क्या होता है कि ब्लड का सर्कुलेशन जो होता है वो ब्रेन में प्रॉपर होने लगता है, लेकिन ये सब मैकेनिकल ट्रीटमेंट हो गया। और क्या बोला जाता है कि पेशेंट को पानी बहुत ज्यादा पीने के लिए बोला जाता है,
उससे प्रेशर जो है ब्लड वॉल्यूम और प्रेशर वो मेंटेन रहे, और जो अल्कोहल पीते हैं उनको अल्कोहल बंद करते हैं हम लोग। और अगर ये हमें ये देखना है कि नमक वो कितना खा रहा है, तो अगर उसका हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है, बीपी का प्रॉब्लम नहीं है, हार्ट फेलियर में नहीं जा रहा है, तो हम नमक नहीं बंद करने को बोलते हैं। नमक तो जरूरी रहता है प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। जो लोग बिल्कुल ही नमक नहीं खा रहे हैं उनको ये प्रॉब्लम हो सकता है। हार्ट का जो रिदम है उसके लिए सोडियम चाहिए, हमारे बॉडी को सोडियम चाहिए, पोटेशियम चाहिए, कैल्शियम चाहिए, सब चीज चाहिए। तो हम लोग नमक जो नहीं खा रहे उनको बोलते हैं नमक खाओ, हिसाब से खाओ। अब इसका चिकित्सा अगर हम लोग पहले, अभी हम इस पे और बात करेंगे, कौन इस पे बात करना चाहेगा, फिर हम चिकित्सा पे आएंगे। जी, इस टॉपिक पे अगर अरविंद सर कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, हरीश बत्रा सर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, अखिलेश तिवारी जी नहीं है, आप लोगों ने ऐसे पेशेंट देखे हैं क्या जो मैं बता रहा हाँ हूँ? सर, मैं बोलूँ सर, मैं बोलता हूँ, हाँ मैं डॉक्टर हाँ सर सर। बोलिए जी सर। सर देखिए, ऐसा होता है कि जैसे कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, जो नॉर्मल ब्लड फ्लो होता है आर्टरीज में, वो एक यूनिक फॉर्म में चलता रहता है। लेकिन अगर कहीं आर्टेरियल डैमेज होता है तो हाइपोटेंशन मिलता है, वो भी ऑर्थोस्टेटिक। होता क्या है कि जब आपका लेटे हुए हैं सुपाइन पोजीशन में, तो वो नॉर्मल फ्लो से ब्लड चल रहा है, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं, हार्ट को पंपिंग में भी दिक्कत नहीं। जैसे ही खड़े होते हैं तो सडन क्या होता है, पैर में ब्लड चला जाता है, पैर की आर्टरीज में ब्लड चला जाता है, लोअर साइड में जो है एंगोजमेंट हो जाता है, लोअर साइड में वेन्स, और वो वेन्स एक्सक्यूज करती हैं, तो ऊपर का ये जब नॉर्मल वे में तो कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि नॉर्मल वे में आर्टरीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब वो आर्टेरियल स्क्लेरोसिस होती है या आर्टेरियल डैमेज होता है, तो जब वो खड़ा होता है तो सिस्टोलिक 20 गिरेगा और डायस्टोलिक नीचे का 10 गिरता है, तो वो उसको कहा जाता है ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन। और है अरविंद से रिलेटेड है तो ये रहस्य है, क्लियर कट रहस्य है, क्योंकि ब्लड फ्लो नॉर्मल नहीं है, रक्त वाहिनियों का भी जो है वो तो थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्शन है, या नीचे कहीं ऑब्स्ट्रक्शन भी हो, क्योंकि वो जब नीचे की तरफ ब्लड जाता है तो वहां से आर्टरीज एक्सक्यूज करती है ऊपर, इजेक्शन फ्रैक्शन को नॉर्मल करने के लिए, हाइपोक्सिया, हार्ट में वेन्स में, हार्ट में ब्रेन में ब्लड को पहुंचाने के लिए, तो वो एक्सक्यूज करती हैं, तो वो एक्सक्यूज जो होता है वो नॉर्मल नहीं होता है, इसकी वजह से हाइपोटेंशन हो जाता है। जैसे कि आपने बोला कि कई मेडिसिन ऐसी होती है, जैसे डायबिटिक में भी रस छाया होता है, और इवन एक कैल्शियम चैनल एस इनहिबिटर वगैरह होते हैं या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स वगैरह होते हैं, इसकी वजह से जो है आर्टरीज वो डायलेट रहती है, मतलब वो एक्सक्यूज नहीं कर पाती है, वो एक्सक्यूज ना होना, वो सार्टन्स वगैरह भी होते हैं, वो डायलेट ही करना रहता है, तो वो आर्टिस्ट डायलेट रहेंगे तो वो एक्सक्यूज नहीं कर पाएंगे, अगर एक्सक्यूज नहीं कर पाएंगे तो ऊपर तक ब्लड नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से ब्रेन में ब्लड नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से हाइपोक्सिया, ये तंद्रा, गौरव तंद्रा, अंगवर्ध, ये सब पांडुत्वम, और ये सब सिम्टम निकल के आते हैं। इवन चेहरा बिल्कुल पीला पड़ जाता है, पेशेंट अनकॉन्शियस सा हो जाता है, बेहोशी की हालत आ जाती है। और तरीका तो आपने जैसे बताया कि थोड़ा सा लेफ्ट करवट में उठना है, फिर थोड़ा सा बैठना है, फिर उसके ऊपर चलना है, लेकिन हम लोगों को बेसिकली रस पे ही कंसिडर करना पड़ता है, क्योंकि पित्त के उष्ण और तीक्ष्ण गुण से रस क्षय होता है, बाघ की रुक्षता की वजह से रस क्षय होता है, तो वो जहाँ पे भी इस तरीके की लेकिन बीमारियां हैं, आप जो फिजियो अपने आयुर्वेदिक टर्म्स में सोचते हैं, तो उसकी चिकित्सा करने से इसमें पेशेंटों में आराम मिलता है सर। ओके सर। जी बहुत बढ़िया बताया सर आपने, और कोई इस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं तो बता सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप लोग बहुत हाई फाई लैंग्वेज यूज करें, सिंपल लैंग्वेज में भी बताएं। प्रीति मैम कुछ बताएंगी इस टॉपिक पे, सीमा मैम आपने ऐसे पेशेंट देखे हैं क्या, वैशाली मैम कुछ बोलिए, आप लोग भी कुछ प्रणाम बोलिए सर। प्लीज। हाँ जी बताइए। सर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये प्रॉब्लम बहुत आती है फीमेल्स में, मतलब वो मॉर्निंग में जब भी उठती है ना तो उनको चक्कर आते हैं, तो ये प्रॉब्लम होती है सर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। जी, और कब देखा है आपने, अपने घर और में सर देखा है?
कई बार जैसे बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो जाती है ना, तब भी होता है, जैसे गर्मियों में धूप में जो काफी देर खड़े होते हैं, जैसे प्रेयर में खड़े हैं काफी देर से बच्चे, तो वो भी उनको भी ये दिक्कत हो जाती है, तो उनको चक्कर खा के गिर पड़ते हैं। जी ठीक है। और आप लोगों ने नमस्ते जैसे, सर। हाँ जी बताइए। सर मैंने मोस्टली ग्रहणी के पेशेंट्स में ऐसे कई बार देखा है कि पेशेंट जब भी उनका क्लियर होता है बॉबल, तो वो अक्सर ही बोलते हैं कि जैसे ही हम स्कूल पास करके उठते हैं तो बहुत तेज चक्कर आता है, तो जी ये मे आपने बी ये सही और कुछ। बताया, ऐसे अल्सरेटिव कोलाइटिस, ग्रहणी के जी पेशेंट, क्रॉन्स डिजीज, ये जो पेट एकदम जोर से साफ होता है ना, तो वायु का प्रकोप होता है और एकदम चक्कर आते हैं उनको, ये सही बताया आपने। हाँ सर तो जी, नमस्ते सर। हाँ जी मैम हेलो। बताइए मैम। हाँ सर, पार्किंसन पेशेंट में तो रहता है सर, जी मैंने तेरा मेरे घर का ही केस जैसे मैंने देखा है। जी कहीं या पर भी ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है तो प्रेशर कम होता है, इसलिए ऐसा होता है, वो चौबीस भी घंटा प्रॉब्लम। सर वो प्रेशर लो ही रहता है, 80/40 बोलते हैं ना, 80/40 में ही रहता है। जी और बताइए, और कैसे कंडीशन में आप लोगों ने देखा है? जागीर सिंह जी आप कुछ बताना चाहेंगे? पल्लवी मैम मुंबई की डॉक्टर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? ऐसे पेशेंट देखे हैं आपने या सुने? गंगवार सर, आरती मैम कुछ बोलिए आप लोग, सीमा मैम कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। तो इसमें अभी मैं फिर बताता हूँ, आप लोग बाद में बताइए। इसमें फिर क्या होता है ना कि हाइपोटेंशन, मतलब यहाँ कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, तो आयुर्वेद के हिसाब से इसको हम लोग, जब हम रसे रोक्षम श्रम श्लोषो ग्लानि शब्दा सहिष्णुता रस क्षय का ये बताया, टिपिकल सिम्टम रसे रोक्षम, तो रुक्षता बहुत ज्यादा बढ़ी, वायु का प्रकोप बढ़ा हुआ है। रसे रोक्षम श्रम श्रोषो, श्रम है, श्रोष है, और रसे रोक्षम श्रम श्रोषो ग्लानि, ग्लानि बोध है, और शब्दा सहिष्णुता ऐसे है, तो रस क्षय का ये सिम्टम दिख रहा है। फिर मूर्छा जैसा सिम्टम भी आता है कभी कभी, या पित्त और वायु की वृद्धि होती है रस धातु में, उसके वजह से भी होता है। तो इसको हमें मूर्छा की पूर्व रूपावस्था इस तरह से सोच के भी हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अलग अलग होती है, अगर हम जो व्याधि समझते हैं उस हिसाब से। तो इसमें हम बहुत सारी दवाइयां दे सकते हैं, जैसे कि कस्तूरी भैरव रस या कस्तूरी गुलिका, ये अगर कंटिन्यू दिया जाए तो इससे बहुत अच्छा फायदा होता है। और हम लोग, हाँ कोई बोलना चाहते हैं कुछ? नमस्ते डॉक्टर राम कुमार जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? अगर नहीं बोलना चाहते हैं तो अनम्यूट करके डिस्टर्ब मत करिए। और इसमें ना हम लोग को क्या करना चाहिए कि कुछ बल्ले दवाइयां भी देनी है, पित्त और वायु का शमन करने वाली भी दवाइयां देनी है। तो इसमें कुछ ये जो स्वर्णकल्प है, जैसे कि सिद्ध मकरध्वज या अर्जुनारिष्ट के साथ या द्राक्षारिष्ट के साथ देते हैं तो बहुत अच्छा, अगर हार्ट का पैथोलॉजी है तो अर्जुनारिष्ट के साथ दे, या फिर ऐसे नागार्जुना रस, प्रभाकरवट्टी, हृदयार्णव रस, ऐसे जो द्रव्य हैं उसके साथ सिद्ध मकरध्वज दें, और या फिर द्राक्षारिष्ट दें, तो इससे बहुत अच्छा फायदा होता है, ताकत आती है। या पूर्ण चंद्रोदय रस खाने के बाद दें, या श्रृंग भस्म दें अगर वहां पे हार्ट की पैथोलॉजी है, ठीक है। उसी तरह से ज्वाहर मोहरा पिष्टी बहुत अच्छा काम करता है, जो हृदय को बल देता है। सहस्त्रपुटी अभ्रक भस्म बहुत अच्छा काम करता है। इसमें आसवरिष्ट में अर्जुनारिष्ट बहुत अच्छा काम करता है, या फिर पूरा शरीर को ताकत देना है तो बलारिष्ट, द्राक्षारिष्ट, कहीं ना कहीं अग्निमंद भी है, और हमें यहाँ पे दीपन पाचन अनुलोमन भी करना है, अग्नि को भी बढ़ाना है, मेधा की अग्नि को भी बढ़ाना है, इसलिए आसवरिष्ट में बता रहा हूँ, द्राक्षारिष्ट है, दशमूलारिष्ट है, ये देने से फायदा होता है। लेकिन अगर पेशेंट डायबिटीज है, डायबिटिक है, तो हमको आसवरिष्ट तो देना नहीं है, और कभी कभी उसमें हाइपोग्लाइसीमिया भी हो सकता है, वो हमें देखना चाहिए कि शुगर लेवल बार बार ड्रॉप तो नहीं हो रहा है, तो वो देखना चाहिए। अगर शुगर लेवल कम हो रहा है तो हमें वहां पे शुगर मेंटेन करने का सोचना चाहिए, जो भी एंटी डायबिटिक दवाइयां एलोपैथिक या आयुर्वेदिक चलती हैं उसको ध्यान में रखना चाहिए। और इसमें हम लोग डायबिटिक पेशेंट में शरीर में मधुरी भवन बहुत ज्यादा हुआ है, कफ बढ़ा हुआ है, मेद बढ़ा हुआ है, क्लेद बढ़ा हुआ है, इसलिए हम लोग कटु रस प्राधान्य और पित्तवर्धन स्त्रोतोशोधन वाले द्रव्य देते हैं, और इसमें कटु रस रक्तवर्धन का प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और इसमें हम लोग हर बार जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको नस्से नहीं देते हैं, शिरोधारा नहीं देते हैं,
उनको चूर्ण नस से देते, प्रधमन नस से, त्रिकुट टुकड़ चूर्ण का, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। संज्ञा स्थापन गण के द्रव्य हैं, उसके द्रव्यों का हम प्रधमन नस से दे सकते हैं, क्योंकि संज्ञा स्थापन गण ये जो है ना, ये बहुत ही व्यापक शब्द है, ये ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन के लिए एकदम परफेक्ट बताया गया है। संज्ञा स्थापन गण के द्रव्यों का क्वाथ पीने के लिए दे, या चूर्ण दे, या फिर उसे सिद्धघृत दे, या तेल का बस्ती दे, तो ये 100% फायदा करता है। उसी तरह से इसका प्रधमन नस से भी देने से, संज्ञा स्थापन गण में हींग आता है, फिर उसमें और क्या आता है, ज्योतिषमती आता है, फिर उसमें सरसों आता है, फिर उसमें और क्या आता है, वचा आता है, ऐसे जो द्रव्य संज्ञा स्थापन गण के द्रव्य जो तीक्ष्ण रहते हैं थोड़ा, तो वो बहुत अच्छा काम करते हैं। उसी तरह से जो उन्माद चिकित्सा में, अपस्मार चिकित्सा में पंचगव्य घृत, वो भी उग्रगंधी होता है, पंचगव्य घृत खाने के लिए दें, लशुनादि घृत उग्रगंधी होता है, यह भी बहुत अच्छा काम करता है। और हम लोग ऐसा हाइपोटेंशन है तो हम लोग वहां पे क्या, वहां की अग्नि को भी बढ़ाएंगे, वहां का पोषण भी करेंगे, वहां पे बल भी बढ़ाएंगे, और उन्माद अपस्मार के जो भी योग हैं वहां पे अप्लाई करते हैं ना, तो बहुत अच्छा फायदा करता है। तो हिंगू सर्वचलादि घृत भी है, कल्याण घृत, महाकल्याण घृत, महापैशाचिक घृत बहुत अच्छा काम करता है। अवलेह में तो बहुत सारे अवलेह का एकदम ब्रॉड स्पेक्ट्रम है हमारे अवलेह, जैसे ब्रह्म रसायन है, त्रिफला रसायन है, फिर आमलकी रसायन है, तो जहां पर भी वायु का प्रकोप हो रहा है वहां पे, या फिर त्रिफला घृत है, ब्राह्मी घृत है, घृत कल्पना देने से वहां पे स्नेहन होता है, और ये हाइपोटेंशन हो रहा है ऑर्थोस्टेटिक, वहां पे वायु का शमन होता है, पित्त का भी शमन होता है, इसलिए घृत कल्पना देना है। इसी तरह से कभी कभी वहां पे कफ का आवरण है, तो त्रिकटु का गोली है, व्योषादि वटिका, वो देने से फायदा होता है, रसोनादि वटिका देने से फायदा होता है। इसी तरह से काढ़े अगर देने हैं तो रसोनादि कषाय, लहसुन शीर पाक देने से फायदा होता है, कुबेराक शीर कषायम, भद्र दार्वादि कषायम है, कल्याणक कषायम है, वरुणादि कषायम है, ऐसे बहुत सारे जो द्रव्य हैं जो संज्ञा स्थापन करें करें और वात पित्त को शमन करें, और रस धातु पे काम करना है, तो रस पाचक बहुत ही बढ़िया काम करता है, और रस का प्रीणन करने के लिए गन्ने का रस दें, अगर वो नॉन डायबिटिक पेशेंट है तो गन्ने का रस दें, फ्रूट जूसेस दें, तो उससे ये काफी हद तक ठीक हो जाता है। और इसमें नस से चिकित्सा भी बहुत अच्छा काम करती है, तो हम लोग शीर बला तेल नस से देते हैं, ब्राह्मी तेल का, ज्योतिषमती तेल का, वचा तेल का नस से देते हैं, तो जैसे जैसे स्नेहन होते जाते हैं वैसे वैसे फायदा होता है। बाकी अर्ध शक्ति व्यायाम और दिनचर्या को फॉलो करना, अगर जितना दिनचर्या को फॉलो करेंगे, टाइम पे उठेंगे, टाइम पे सोएंगे, तो बहुत अच्छा फायदा होता है, एक्सरसाइज करेंगे, चलना बहुत जरूरी है। जो चरक मुनि थे ना, वो 100 साल के भी हो गए थे तब भी चलते रहते थे, तो जो लोग चलते रहते हैं वो लोग स्वस्थ रहते हैं, ऐसा बताया गया है। अब आप लोग कुछ बताए, मेरे मेरे बताने के अलावा आप लोगों को क्या आता है, कुछ दिमाग में आ रहा है तो बताइए। अरविंद सर बताइए सर। हाँ सर, देखिए बयान पे अगर हम लोग फोकस करते हैं तो बयान वायु जो है गति अपक्षेपण उत्क्षेपण निमेशो निवेश निमेशो अनिमेश सर्व शरीर क्रिया स्तमन करके होता है। मतलब बयान वायु पे जो है वो गति ऊपर की तरफ भी ब्लड को फेंकती है, जिसमें कहा गया कि रक्त वाहिनी धमनिया में जो है हृदय और रक्त वाहिनी धमनिया है, रस वाहिनी में हृदय और दस रस वाहिनी धमनिया है, तो ऊपर की तरफ भी फेंकना, नीचे की तरफ फेंकना, गति अपक्षेपण उपक्षेपण इवन आंख की पलकों को भी ऊपर नीचे करना, और सारी क्रिया का जो कार्यक्रम होता है वो व्यान वायु पे होता है। तो मतलब व्यान मतलब हृदय में स्थित। अब हमको हृदय पे ही कंसंट्रेट करना है, तो जहन मोरा बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स उसमें आता है, वासारिष्ट का रिस्पॉन्स आता है, आपने सर भद्र दावादी बोला, भद्रादि कषाय का भी बहुत अच्छा आता है, बृहत्यादि मतलब अगर पित्त की तरह हो तो बृहत्यादि, और नयोपयम कषाय जो है बड़ा जीरा सुंठी वाला होता है, इवन दीर्घादरिष्ट का भी बहुत बढ़िया रोल होता है। अब हम लोग केवल हार्ट पे पुश करना है, हमको हार्ट ब्यान पे ही काम करना है, रस भी पुश करना है, तो ऐसे में हमको अर्जुन का क्षीर पाक के साथ में जहर मोरा पिष्टी जो होता है, वो जहर मोरा पिष्टी होता है वो, जिसमें वो गुलाब के जल के साथ में जहर मोरा भस्म की होती है, इवन अकीक पिष्टी और मोती पिष्टी का भी बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि यहाँ पे हमको पित्त को भी लेके चलना है, पित्त हुए। और अभी तो आपने वो सर एक बोला था गोल्ड का प्रिपरेशन
उसके कौन सा मैं लिखना भूल गया था, ये मकर इसमें ध्वज। योगेंद्र रस का भी बहुत बढ़िया रेस्पॉन्स हाँ होता था, योगेंद्र रस, हाँ वो भी क्योंकि रह गया था मेरा। योगेंद्र रस है। और एक सर हम लोग जो ऐसे केसेस में जहां पे भी हार्ट के इन्वॉल्वमेंट होता है, तो विश्वेश्वर रस जो आता है जिसमें कजली स्वर्ण लौ लौ अभय को बैकग्राउंड के साथ में अर्जुन तो पड़ा हुआ है इसमें, तो विश्वेश्वर रस का बहुत बढ़िया रेस्पॉन्स आता है। इसके अलावा सर बला का आपने बोला, तो बला के साथ में बलादि ग्रंथ का भी आता है, अर्जुन ग्रंथ का भी आता है। और अगर बीपी की वजह से है तो मतलब बीपी अगर पित्त की वजह से है तो जनरली भी वाप का ही होता है, तो चंद्रकला मोती पृष्टि के साथ में वो बढ़िया रेस्पॉन्स आता है। और मुक्तावटी और योगेंद्र, आपने योगेंद्र रस बोला सर, मुक्तावटी और रस पाचक के साथ में योगेंद्र रस का रेस्पॉन्स बढ़िया आता है सर। ओके सर, जी, और आपने व्यानमय तो बता दिया हृदय को देख के, आपने प्राण और अपान को छोड़ दिया, उसको भी बताइए, नहीं तो मैं थोड़ा बताता हूँ फिर आप प्राण बताइए। तो प्राण जो है मूर्ध स्थिता, अगर देखिए प्राण पे जाएंगे तो वो स्थीपन चवतु श्वास आहार आदि कर्म में अपचा है, तो वो जो है प्राण का पूरी शरीर का जो सर्कुलेशन मतलब एक सेल से दूसरी सेल में जा रहा है, तो वो सब कुछ प्राण तो करता ही है क्योंकि प्राण ही तो सब कुछ में है। और अपान का है अपानो अपानक शोणी बस्ती मेरु उरु गोचरा, तो नीचे की तरफ है, तो वो क्या कर रही है मूत्र शकरण गर्भ निष्क्रमण क्रिया, अपान डिस्टर्ब होगी तब डिस्टर्ब तो करेगी, तो जब भी वायु डिस्टर्ब होती है तो ऊर्ध गति चलती है, अपान डिस्टर्ब होगी तो ऊर्ध गति चलेगी, तो अपान आवृत व्यान की तरफ जाएगा क्योंकि वो अपान व्यान की जो नीचे की तरफ जो आ रही है उसमें जो आवरण करता है तब ये सब सब दिक्कतें आती हैं। तो वो हर एक वायु का एक रोल तो दिया ही है, जैसे सम्मान का बोला कि सम्मान मान लो कुष्ठे अग्नि चरति हमेशा सर्वदा हाँ अन्नम गृह्णति पाचति मृगचति सर्वदा। और रस का सर आपने बोला था कि रस अभी रस्य दोषम शमो शोषो, एक रस का सर और है, रस रस क्षय हृत पीड़ा कंप हृदय शुष्कता, मतलब रस क्षय अगर होगा तो कंपन भी होगा हृदय ग्रह, हृदय में शुष्कता मतलब वो सर्कुलेशन मतलब इजेक्शन फ्रैक्शन सब कम हो जाएगा, तो फिर वो ब्रेन में वो नॉर्मल ब्रेन में पहुंच नहीं पाता, इसीलिए तंद्रा आ जाती, इसीलिए बेहोशी क्लम मतलब मद मद की तरफ मद मूर्छा मूर्छा की तरफ चला जाता सर, तो वो तो आता ही है सर। ओके जी। सर, अभी प्राण वायु जो है अपने इंद्रियों को भी तर्पण मतलब वो करता है, ब्लड सर्कुलेशन करना सब कुछ करना, सभी इंद्रियों तक उसका काम रहता है प्राण वायु का, है ना। और अपान वायु जो है वो भले वो नीचे सब कर रहा है लेकिन वो विलोमित होके भी ये ऐसा प्रॉब्लम कर सकता है। या फिर जो लोग बहुत ज्यादा डिप्रेशन में सोए हैं, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में अचानक उठेंगे तो उनको ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन हो रहा है, वायु का प्रकोप हो रहा है। इसलिए मुझे ऐसे लगता है कि रसायन काल में जो रसायन हम लोग रसायन द्रव्य देते हैं, जैसे ब्राह्म रसायन दे दिया, आम्ल की रसायन, च्यवन प्रसव ले दे दिया, तो वो प्राण वायु पे रसायन काल में देने से फायदा होगा। और अपान पे काम करना है तो हमें अनुलोमन करना जरूरी है, अगर मल और ये मूत्र और ये अपान वायु अगर अनुलोमित होगा उससे भी काफी हद तक इससे फायदा होगा। अब आपको क्या करना है सर? हाँ सर ये तो बिल्कुल सही है, प्राण का हमको रसायन काल में ही, इसीलिए जितने भी ये जहन मोरा है या नागार्जुन है या प्रभाकर भट्टी है या हृदय चिंतामणि है, इसको रसायन काल में देने से ही बहुत बढ़िया रेस्पॉन्स आता है। अपान के लिए तो सर बोला ही गया है कि अपान के लिए तो आपको अनुलोमन करना है, चाहे वो घृत से करिए, चाहे वो विरेचनी गण या जो भी लेखनी मतलब जो निकालने वाली जो वही है, चाहे वो शोधन करना है आपको शोधन पे कंसंट्रेट करना होता है। अपान का तो अनुलोमन, पहले अनुलोमन दीपन पाचन के साथ में अनुलोमन, और उसके बाद अग्नि प्रदीप्त घृत अगर जब जाएंगे तो फिर वो अपान और अनुलोमित हो जाती है, तो फिर वो अपना क्लीनिंग होने शुरू हो जाती है। जी, और इसी तरह से मतलब मेरा ऐसा अनुभव है प्रैक्टिस है कि जो सेरेब्रल एट्रोफी के पेशेंट होते हैं या फिर सेरेबेलम एट्रोफी के पेशेंट होते हैं तो उनको कहीं ना कहीं ऐसे प्रॉब्लम ज्यादा रहते हैं। एट्रोफिक चेंजेस जब आ रहे हैं, सूख रहा है ब्रेन, तो लाइट हेडेडनेस आता है, चक्कर आता है बहुत ज्यादा, और ऐसे प्रॉब्लम होती है। या फिर ब्रेन का कोई भी पैथोलॉजी हो रहा है, ब्रेन में चेंजेस आ रहे, एज रिलेटेड डिजनरेटिव चेंजेस आ रहे हैं, तो इसीलिए हमारे आयुर्वेद में बोला गया है कि ये जो महाकल्याण घृत है, महापैशाचिक घृत है, फिर वच्चादि घृत है, ब्राह्मी घृत है, ऐसे घृत कल्पना का भी बहुत ज्यादा इसमें
रोल रहता है जो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। एलोपैथी में तो इसका परमानेंट इलाज है ही नहीं अगर देखा जाए वो तो, सर क्योंकि वहां पे आवरण या तो वायु क्रुद्ध क्षय करेगी या आवरण करेगी, तो वहां पे इस्कीमिक चेंजेस होते हैं, वो वहां पे ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो या ऑब्स्ट्रक्शन हो या क्लॉट फॉर्मेशन हो या एथिरोमा हो, तो चाहे वो हार्ट की पैथोलॉजी लिख ली है चाहे वो ब्रेन या की फिर कभी कभी पैथोलॉजी लिख ली है, एन्यूरिज्म होता है, एन्यूरिज्म मतलब वो एनुरिज्म मस्तवाहिनी हो जाएगा उखड़ सर रही है, सिकुड़ रही बिल्कुल। है, एन्यूरिज्म होता है। हाँ तो सर्कुलेशन अगर प्रॉपर नहीं है, जहां पे वैन वायु रुकेगी, जहां पे भी देखिए हर संप्राप्ति में भी, चाहे वो बात रखती संप्राप्ति, वो जो जोड़ों में जाके बात रुकती है पित्त की वजह से, आवरण होता है, तो वो तो कहीं भी संप्राप्ति, एन्यूरिज्म की संप्राप्ति होगी या आवरण की संप्राप्ति होगी या वायु की वजह से क्षय हो गया, हो चुका होगा, तो वो नॉर्मल जो उसका परमाणुओं का आवागमन नहीं होगा, तो फिर वो एन्यूरिज्म भी होगा, फिर वो डीप वेन थ्रोम्बोसिस भी हो जाती है, और मतलब इवन हार्ट अटैक में भी जाइए तो हार्ट अटैक में भी ब्लॉकेज मिलता है, पहले पहले एट्रियल फिब्रिलेशन मिलेगा, फिर हार्ट अटैक मिलेगा, ब्लॉकेज हो जाएगा, फिर हार्ट अटैक पड़ जाएगा, तो CCF में चला जाता है, और सब दुनिया भर के कॉम्प्लिकेशन ऐसे। जी हाँ, एक ना डॉक्टर शक्ति सोनी जी ने फेसबुक पे लिखा है कि एंजाइटी की कंडीशन में भी ये होता है, एंजाइटी है, घबराहट हो रहा है, व्याकुलता बहुत ज्यादा बढ़ रही है कोई भी चीज से, ऐसे होता है। और शैलेंद्र जेटली जी बोल रहे हैं कभी कभी वायु पित्त और तम की वृद्धि से भी होता है, वायु पित्त और रज का भी प्रभाव रहता है तब भी ऐसा चीज होता है, तो ये मुझे तो सही लग रहा है ये सब चीजें। सर मूर्छा के लिए बोला गया जी है, मूर्छा जो है वो श्लेष लेश मत दबोच तो पित्त तमा और ये वात में मूर्छा के लिए बोला गया, जैसे निद्रा के लिए श्लेष तमो बोला गया, ऐसे उसके लिए पित्त तम की वजह से बोला गया सब मूर्छा के लिए। जी, सही बताया आपने सर, बहुत अच्छा बताया आपने, थैंक यू सर। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए, ये टॉपिक पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोगों के पास भी पेशेंट आते होंगे 60 साल के बाद वाले, या डायबिटिक पेशेंट वाले आते होंगे, उन लोगों को ये प्रॉब्लम रहती है। एलोपैथी में इसका इलाज नहीं है, बिल्कुल नहीं है, आयुर्वेद में ही है जो हम लोग नस से। प्रशांत भट्ट जी आप कुछ बोलिए सर इस टॉपिक पे, आपने पेशेंट देखे हैं क्या सर? तकदीर जी कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ सर बोलिए नमस्ते सर। जी, नमस्ते सर, बताइए। सर आपने तो बहुत बड़ी बड़ी मेडिसिन बता दी, मेरे पास अभी तक जितने आए मैंने सर चंद्र प्रभावती और साथ में 1 लीटर लस्सी रोज पहना पीने को कहा था, 3 4 दिनों में पेशेंट को आराम आ जाता क्या है। क्या चंद्र प्रभावटी और क्या बोल रहे थे? 1 लीटर लस्सी 1 लीटर लस्सी? अच्छा पतली, उसमें हम अच्छा ना साथ में क्या देता हूँ, या तो वही पत्ती का चूर्ण डालें, थोड़ा सा की अग्नि मानते इंसान ना हो, जी या फिर लवण जी बांट कर थोड़ा सा। तो आपके पास वो कैसे पेशेंट थे, क्या चीज का कंप्लेंट था? सर एक पेशेंट तो फीमेल थी, अप्रोक्सीमेटली 34 35 ईयर की थी, और जी उसे 5 6 महीने से BP उसका कम हो जाता था, उठते वह चक्कर आते थे, जी तो उसको तो मैंने पहले कहा, रास्ते में मिले थे तो मैंने कहा था कि 1 लीटर लस्सी पियो 3 4 दिन के लिए, तो उनको थोड़ा सा आराम आ गया, बस जी यह कि लग रही थी समाप्ति ना उनके साथ में, जी तो फिर वो मेरे पास आए तो फिर मैंने चंद्र प्रभावती लगाई थी साथ में, तो उससे और क्या कहा हुआ, था कि चंद्र प्रभावटी से क्या हुआ? सर वो तो बॉडी के लिए रसायन का काम करती है, साथ में बल्ले भी होती है ना काफी अच्छी, जी तो वो दोनों चीजों पर उसने काम शिलाजीत किया। वाला है ना, कल शिलाजीत है ना, जी तो वो ताकत जी देता जी है, और एक्स्ट्रा क्लेद को निकालता है, और हाँ, फिर दीपन पाचन भी करता है चंद्र प्रभा। जी सही तो बताया उससे ही आपने। सर मेरे 3 पेशेंट तो मेरे ऐसे ही ठीक हो गए थे, एक को और थोड़ी ज्यादा काम लस्सी थी। जो है, तक्र जो है, वो क्या करता है, वो अग्नि को अच्छा करता है, स्त्रोतरोध को दूर करता है, दीपन पाचन करता है, तो वायु का और सर सर्कुलेशन को अच्छा कर देता है, रस रस की कमी भी तो दूर कर रस की देता है ना कमी को भी वो रस। भर देता है। सही बताया आपने जी, सही बताया गहरी गहरी में बोला भी गया, दीपन ग्राही लागवात। जी। और इन्होंने जो बताया रस क्षय हुआ है, तो वो तक्र जब दे रहे हैं पानी के रूप में, पानी जैसा जलीय तत्व, तो वो रस क्षय को भी वो भर देता है। जी सही बताया आपने, और जो भी कुछ पेशेंट को आप ज्यादा दे रहे हैं वो सही है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको मालूम है क्या कि क्यों दिया जा रहा है, ये कॉन्सेप्ट मुझसे पूछ रहे हैं। आपसे मैं बोल रहा हूँ, इसलिए तो मैं आपसे क्लियर कर रहा हूँ, आप जो भी दे रहे हैं वो सही है, मैं उसको गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन चंद्र प्रभा क्यों दिया वो आपने आंसर दे दिया, सही बताया।
हाँ हाँ तो हाँ दो शिलाजीत की वजह से, और रसायन का काम करती है ना वो और दीपन बॉडी में। पाचन भी करती है। हाँ हाँ तो साथ में चक्कर तो मैंने रशिया के लिए दिया था मैं, क्योंकि उसके चेहरे से पता लग रहा था कि इनकी बॉडी में रशिया है, इसकी वजह से उनका बीपी कम हो रहा जी। और कहीं पर है। भी अरे अगर एक बीपी कम हो रहा है, हाइपोटेंशन हो रहा है, तो वहां पे फ्लूइड देने को एलोपैथी साइंस भी तो बोलता ही है कि ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर और लिक्विड, जी ऐसे वो लोग बोलते ही हैं वो लोग। जी हाँ एक सर, पेशेंट और ज्यादा वीक बोलिए। था, तो एक पेशेंट ज्यादा वीक था तो उसको साथ में मैंने विस्के ड्रग का कॉम्बिनेशन दिया था, बल्ले सारी, तो क्या क्या दिए थे, क्या श्वेत क्या दिए थे? अच्छा मुसली, अश्वगंधा, सावर, ये हाँ, ये सभी का कुछ। गृहणीय गण वाले द्रव्य और वृष्य द्रव्य, शुक्रवर्धक, ये भी द्रव्य बहुत अच्छा काम करते हैं। ये रस पे भी काम करते हैं, शुक्र पे भी काम करते हैं। सफेद मुसली दिए थे और क्या? श्वेत मुसली, सावर, अश्वगंधा, कोच बीज, गिलोय, इन सभी का पाउडर करके। बहुत सही, ये वृक्ष योग के द्रव्य और रसायन कुडुची। जी तो कितने दिन में पेशेंट को फायदा हो गया सर? सर 3-4 दिन में पेशेंट को हो गया था सही इम्प्रूवमेंट, सही बताए आपने। हाँ लेकिन डॉक्टर सर सभी आदित्य। हाँ बोलिए इन सर। सभी में इन सभी के अंदर सर रशिया जरूर मिलता है बहुत ज्यादा। ये 100% पानी बहुत जी कम पीते हैं सभी पेशेंट। जी और न सर क्या होता है, वृद्धावस्था में भी तो रस का यापन या प्रीणन कम ही हो जाता है ना कहीं वहां पे वार्धक्यावस्था आ रही है। अगर हम उस तरह से सोचे, यापना कम हो रहा है शरीर में, तो वहां पर भी तो रस क्षय ही हो रहा है, ब्रेन को नरिशमेंट नहीं जी मिल रहा है सर, पानी के रूप में, जल के रूप में। जी सही बताया आपने, बहुत सही बताया। ओके सर। हाँ और डॉक्टर आदित्य सर, आप इस टॉपिक पे कुछ बोलना चाहेंगे? डॉक्टर आदित्य सर, सर मैंने अभी अभी ज्वाइन किया है लेकिन ऑर्थोस्टेटिक। आपने ऐसे पेशेंट तो देखे होंगे सर, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन, खड़े होने के बाद चक्कर आ रहे हैं, जी तो सर। एलोपैथी में तो इसका क्योर नहीं है ना सर, नहीं परमानेंट सर, नहीं, न्यूरोपैथी के कारण होता है। मतलब जैसे न्यूरोपैथी। जो हमारा जो मज्जा था, मतलब जो नर्व्स होती है हमारी, वो डैमेज हो जाती है एजिंग के साथ या बीमारियों के कारण, प्रमेह में किसी भी कारण से। तो इसका वो ये सिम्टोमेटिक इलाज करते हैं हम, टेट स्टॉकिंग्स दे सकते हैं। अगर सोडियम कम है तो मतलब इलेक्ट्रोलाइट चेक करके सोडियम दे सकते हैं, सोडियम क्लोराइड के टेबलेट्स देते हैं इस तरीके से। जी अल्फा गोनिस देते हैं, बीपी बढ़ाने की दवाइयाँ देते हैं। जी बहुत अच्छा बताया सर आपने, थैंक यू। और सर कोई ये बोल। सर हाँ डायबिटिक हाइपोटेंशन, जैसे डायबिटिक पेशेंट्स, अजित सर, जी सर। हाँ सर आपसे मैं पूछ रहा हूँ सर, ये जैसे डायबिटिक पेशेंट में हाइपोटेंशन का एक तो रीजन, और उसके बाद उसमें सर क्या वो मेडिसिन न्यूरो लेते हैं? सर एक्चुअली डायबिटिक पेशेंट में भी ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन क्या न्यूरोपैथी हो जाती है, मतलब जो नसों की संवेदनशीलता खत्म हो जाती है। नसों का काम है वायु, मतलब वो वहां से वायु को शिफ्ट करना, मतलब तो वो बार बार आवरण, मतलब जैसे वो एक्टिवेट नहीं होती बेसिकली नसें, तो एकदम से बीपी गिर जाता है। बीपी गिरने मतलब जैसे जो वायु जहाज चलना चाहिए तो नहीं चलती है, बीपी गिर जाता है उसके कारण। तो सिम्टोमेटिक में हम जो कंप्रेसिव स्प्रिंग के स्टॉकिंग्स होते हैं वो देते हैं, और लेग एंड अप, मतलब पैर को ऊपर करके जब सोना है तो ऊपर करके रेस करने को बोलते हैं। वो एक मसाजिंग टाइप का, जैसे नीचे से ऊपर मसाज हो किसी भी तरीके से, इस तरीके से। और ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए वेसो कंस्ट्रिक्टर्स रहते हैं, थोड़े से अल्फा गोनिस्ट रहते हैं, वो देते हैं कई बार इस तरीके से। और अगर इलेक्ट्रोलाइट्स में कुछ चेंजेस हैं तो उसके हिसाब से अगर सोडियम दे दे सकते, मतलब सोडियम कम है तब सोडियम देते हैं इस तरीके से। थैंक यू सर। जी बहुत अच्छा बताया सर आपने, थैंक यू। और तनिका मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस टॉपिक पर? तकदीर जी कुछ बोलना चाहेंगे? आपने हैंड रेज किया है। हाँ हाँ सर, अभी मुझे याद आया सर, एक पेशेंट को सर सर्वाइकल की वजह से भी ये प्रॉब्लम। अच्छा हाँ, ये सही बताया, नर कॉम्प्रेशन हो रहा होगा कहीं ना कहीं। हाँ तो उसमें सर गले की अभ्यंग करने से काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट होता है, शोल्डर के और बैक, अपर बैक का मसाज करने से काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट हो जाता है। जी उसमें भी सर आप उनको अच्छी तरह से, अगर वो जो थेरेपिस्ट होता है उसको अच्छी तरह से आता हो, तो पहली बार करने से उनको ये चक्कर आना कम हो जाता है। जी सही बताया आपने।
और सर वो पित्त बढ़ाने की कुछ औषधि, मतलब जैसे हमारे हॉर्मोन्स रहते हैं जैसे ग्लूटामेट, मतलब जो किडनी के ऊपर एड्रिनल, किडनी के ऊपर एक छोटा सा ऑर्गन रहता है ग्लैंडुलर, जैसे मेद मेद धातु टाइप का कॉर्टिकल बनाता है और वो, जी कॉर्टिकल जी बनाता है वो। जी 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 तो फ्लूटरोकॉर्ट, ये सब हम उसी हार्मोन को एक्सटर्नली मतलब बाहर से देते हैं। जी सर, जी सही बताया आपने। कॉर्टिसोल को बाहर से मतलब समझे नहीं कैसे। मतलब जैसे कॉर्टिसोल को केमिस्ट्री, उसका स्ट्रक्चर देख लिया और उससे बेटर कंजेनर्स हम लोग, बेसिकली होता क्या है ना कि जो जो बॉडी जो हार्मोन्स बनाती है उसका स्ट्रक्चर डिसाइफर कर लिया और उसके बाद उसी टाइप का स्ट्रक्चर बना के मॉडिफाई करके, जैसे ज्यादा पोटेंट हार्मोन या ज्यादा पोटेंट कोई केमिकल जो रहता है वो बना के देते हैं। तो जैसे जैसे नॉन नेचुरली जो मिलता है कॉर्टिसोल मिलता है, तो उसी का कंजेनर से फ्लुडरोकॉर्ट है, फ्लुडरोकॉर्टिसोन लैब में बना हुआ वो देते हैं इस तरीके से, जो ACTH एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन के एक्सेस पे काम करता है और सोडियम को रिटेन करवाता है, ब्लड प्रेशर को बढ़वाता है इस तरीके से। जी इस टॉपिक पे और किसी को कुछ बताना है तो बता सकते हैं। कविता मैम, विनीता मैम कुछ बोलिए आप लोग। मनीषा मैम, आपके पास ऐसे पेशेंट आए हैं कि खड़े हुए बूढ़े लोग या कोई, तो उनको चक्कर आने लगा बीपी कम होने की वजह से। मनीषा मैम कुछ बताइए। हाँ जी सर, प्रणाम सर। जी प्रणाम। सर, मैं अभी सुन रही थी, बहुत अच्छा टॉपिक और सब कुछ आप लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया पूरा। इसमें बेसिकली मैं मकर ध्वज गुटिका का प्रयोग करती हूँ। जैसे न्यूरो से संबंधित है उसको, या कहीं नर्वस सिस्टम में सर्वाइकल में है, या कुछ ऐसा स्ट्रेस है उसको, तो मेरा अनुभव इसमें मकर ध्वज गुटिका का ज्यादा है सर। मकर ध्वज गुटिका और प्रभाकर बटी ये चलाती हूँ मैं, और साथ में अकीक पिष्टी और योगेंद्र रस इसको भी चलाती हूँ बल्ले के लिए, पार्थ अरिष्टम के साथ में। तो मेरा तो सिर्फ मकर ध्वज ही प्रयोग करती हूँ तो उसको फायदा मिलता है। फिर आपका एक नुस्खा था सर, वो 1 लीटर पानी में और नारदीय लीची। लक्ष्मी जी, विलास रस वाला तो जी। ये भी साथ में चलाती हूँ तो इसका अच्छा रिजल्ट आता है। बाकी ये टॉपिक बहुत ही अच्छा था, और ये सीरियल भी बहुत अच्छा चल रहा सर, बहुत बेनिफिट मिलेगा इसमें अभी तो हम एक। 1 महीना केवल हार्ट पे ही बात करेंगे, हम ECG पे बात करेंगे, हार्ट के सारी बीमारियां कवर करेंगे हम। जी सर, इसमें पुष्कर मूल चूर्ण जो था वो छोटा है अपना, ये जी भी इसमें बहुत फायदा करता है। बाकी तो सब कुछ आप कैसे लोगों ने कैसे बताया। काम करता है मैम, पुष्कर मूल चूर्ण के बारे में बताइए। पुष्कर मूल चूर्ण मांसपेशियों के लिए देते हैं सर, उसको मांसपेशियों को टोन देता है और क्लेद को कम करता है और वायु का शमन करता है। जी और अभी जैसे शरण कुछ अभी भी छूट गई हम लोग की, शरण भस्म भी। हाँ पुष्कर मूल तो बहुत बढ़िया ऑप्शन है आपका, जी सर, हरित ये क्यारी सभी चूर्ण टॉपिक और में सिर्फ यही छूटा था सर, आपने तो बहुत अच्छे से बताया, शरण थैंक शरण भस्म बताई गई मैम अभी। जी। अच्छा मेरा एक और रह गया, जब भी मस्तिष्क की बीमारियां रहती है ना, चाहे कोई भी मस्तिष्क की बीमारियां रहे, तो मस्तिष्क रोगाधिकार में पंचामृत लव गुगुल, वृहद्वाद चिंतामणि, त्रैलोक्य चिंतामणि और रौप्य भस्म के बारे में बहुत ज्यादा वर्णन किया गया है, और जी सहस्त्रपुटी अभ्रक भस्म ये बहुत अच्छा काम करता है। जहां क्षयात्मक संप्राप्ति है, सेरेब्रल एट्रोफी है, या फिर पार्किंसन है, अल्जाइमर्स है, उसमें ऐसे प्रॉब्लम हो रहे हैं, या मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो रहा है, या डीमाइलिनेटिंग डिजीजेस बहुत सारी हो रही है अलग अलग, मोटर न्यूरॉन डिजीज की शुरुआत हो रही है, उन सब में अगर हो रहा है ना, तो ये रौप्य भस्म तो बहुत ही बढ़िया। जी सर, बहुत 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 अच्छा काम करता है। इसमें ब्राह्मणी बट्टी के साथ भी मिला करके देते हैं, तप्यादि लौ, या जैसे अभी आप बताएं वो तो बहुत अच्छा है। जी। बट जैसे ये रौप्य भस्म या तप्यादि लौ नंबर 1 है, तो उसमें भी रौप्य भस्म भी अच्छी हाँ कंपनी ताप्यादि लो रस का प्रसादन करता है, बहुत बढ़िया। का जी है। सर एक चीज और रह गई हम लोग की, जी सर बताइए सर। बस्ती चिकित्सा रह गई सर, चंदन मारा हाँ, लाचा ये भी रह है। गया, ये मैं भी सोच रहा था। हाँ तो इसमें यापना बस्ती बहुत अच्छा काम करता है, माधुतैलिक बस्ती, यापना बस्ती जितने हैं, यापना सिद्धि जो अध्याय है वो तो बहुत ही बढ़िया है, उसमें मांसरस का प्रयोग किया गया है, अगर मांसरस नहीं करे तो भी बाकी द्रव्य भी बहुत अच्छे हैं, बस्ती का रह गया जी था सर, और मैंने। जैसे हृदय बस्ती भी इसमें बहुत बल्लकारक भी है। जी
हृदयवस्थि जो है। अदरक सरस की, लेकिन वो तो कफज में जाता है, जैसे नोड्यूल फॉर्मेशन हो या ब्लॉकेज हो तो उसमें अदरक सरस की हृदयवस्थि का सर रोल बहुत बढ़िया रहता है। कर्पूरादि और निर्गुंडी इसका भी बहुत अच्छा फायदा करता है। लहसुन आदि कषाय, लहसुन अरंडा आदि, लहसुन आदि कषाय, लहसुन अरंडा आदि कषाय, अरंड मूल आदि कषाय, और दशमूल तेल और धनवंतन तेल की बस्ती, ये मैंने मतलब नंबर ऑफ मेडिसिन तो तो सर आजकल। ऐसे पेशेंट आए ना, तो मैंने उनको महाकल्याण घृत, कभी जीवनीय गण के घृत, इनको ना इनका बस्ती कंटिन्यू मात्रा बस्ती दिया कंटिन्यू 3 महीने 100 ml का रोज बिना स्नेहन स्वेदन के मात्रा बस्ती। उससे इतना बढ़िया फायदा होता है ना सर, वो ओल्ड एज के पेशेंट तो ठीक ही हो जाते हैं पूरा। नस और बस्ती तो वैसे भी उनको 80% बेनिफिट मिल जाता है जी उसमें। जी मात्रा बस्ती बस घी का रोज। ऐसे भद्रवादी कषायम को भी थोड़ा सा घृत डाल करके सुबह 20 ml देते हैं खाली पेट में, जी वो भी अच्छा फायदा करता है। दशमूलम कषायम भी, ये भी बहुत अच्छा फायदा करता है, कफज जो है प्रकृति वाले। कहीं ना कहीं यहाँ पे वात का तो प्रकोप है ही, तो बस्ती की चिकित्सा तो सबसे श्रेष्ठ चिकित्सा है वायु की। जी बहुत अच्छा बताया अच्छा, मनीषा मैम। नर्वस सिस्टम में भी ना नर्वाइन टोन भी देता है और स्ट्रेंथ भी देता है, जहाँ मज्जा धातु को बल देता है, स्नेहन भी करता है। जी। जी गुड इवनिंग सर। हाँ मैम, तनिका मैम, आपको हाँ कैसा गुड लग रहा सर, है हमारा ये मनीषा मैम, आदित्य सर का कैसा लग रहा है, अरविंद सर का? मुझे इतना कुछ सीखने को मिल रहा है ना, मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है एक्चुअली, तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। इतनी मुझे है नहीं था, मैंने अभी जब स्टार्ट किया था आयुर्वेद करना तो आपको देख के स्टार्ट किया था, लेकिन अभी सब जो जितने भी हैं सब वैद्यजन, मतलब सबको प्रणाम और सबको मैं थैंक यू बोलना चाह रही हूँ कि ये चीजें मुझे आपसे सीखने को मिल रही हैं। जी तो असल यही सर में मैं, संभाषा जो रहता है ना, बुद्धिवर्धनम श्रेष्ठा, जब हम जी डिस्कस कर सर रहे हैं तो हमारे दिमाग में और नए नए बातें आ रही हैं कि ऐसा भी बिल्कुल रहता है। हाँ वही वही सर। अभी आपकी बातें सुनते ना मेरे को एक केस याद आ गया था, तो मैं वो चीज बता रही थी सर। मेरा पेशेंट था हिंदुस्तान टाइम का, नोएडा में चीफ एडिटर है। जी तो सर वो उनको यही प्रॉब्लम थी, वो जब भी एक्चुअली एक्चुअली उनका रात्रि जागरण वाला थोड़ा सा था, और वही वो जब भी उठते थे ना बैठ के उठना जैसे, और ऑफिस जाते थे जब, फिर चेयर से भी बैठ के उठते थे तो उनको चक्कर आते थे, और 2-3 बार ऐसे हॉस्पिटलाइज हो चुके थे। तो सर उनको सिर्फ मैंने वो इतापयादि लो दिया था, सिद्ध मकर ध्वज दिया था, अश्वगंधा दिया था और ब्राह्मी घृत दिया था, बस वही इन चीजों के साथ ही उनको 2 मंथ में पूरा रिलीफ हो गया। अच्छा हाँ जी सर, ये मैंने एक्चुअली मुझे अभी आप जब बातें कर रहे थे तब मुझे याद आया कि ये मेरे पास भी एक केस था, तो एक्चुअली वो रिलेटिव ही थे लेकिन 2 मंथ्स में कंप्लीटली क्योर होता है। तो उन्होंने तो आपका पेपर में नाम छाप दिया होगा, बढ़िया नहीं सर, नहीं बढ़िया ऐसा लिख कुछ नहीं दिया। था। नहीं सर, वो पेपर में तो कुछ नहीं छापा, लेकिन हाँ वो रिजल्ट बड़ा अच्छा मिल गया था मुझे तो सिद्ध उसको मकर लिया। ध्वज ने क्या काम किया आपके हिसाब से, क्यों काम किया, क्या काम किया? सर मुझे तो वही है कि बल्ले है नरवाइन टॉनिक है, तो इसलिए मज्जा धातु पे काम किया, हाँ जी हाँ शुक्र पे जी। काम किया, और बल्ले भी है, रसायन भी है। तो सर इसीलिए मैंने वही वही स्टार्ट किया था, और थोड़ा ब्रेन टॉनिक वगैरह दिया, और उसके साथ ही सर उसको रिजल्ट मिल गया। जी जी सर बहुत बढ़िया, आप लोग जो भी दे रहे हैं ना उसका कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए कि क्यों दे रहे हैं हम लोग। पंचामृत लॉ गूगल जो है ना, वह भी बहुत बढ़िया काम करता है, मज्जा धातु को बल देता है वो। सर तब मुझे नहीं पता था कि मैं क्यों दे रही हूँ, लेकिन अब मुझे पता है कि मैं जब आपकी बातें सुनती हूँ तो अब मुझे पता है कि मैं क्यों दे रही हूँ सर। हाँ आपका आंसर होना चाहिए, लोग पूछेंगे कि क्यों दे रही है क्यों, तो आप ऐसे ही नहीं बोल सकते कि मेरा ये 5 दवाइयों का फॉर्मूला है, इसे सबको फायदा होता है, ऐसा नहीं। आपको आंसर देते आना चाहिए, उसका कार्य कारण भाव बताते आना चाहिए, ये क्यों हुआ है। आपके पास कोई MBBS MD डॉक्टर आएगा तो आप बोलेंगे कि क्या दवाई दे, तो उसको आंसर मालूम होता है, आपको नहीं मालूम होगा तो कितना गलत बात है। मालूम होना चाहिए कि क्यों दे रहे हैं हम लोग। जी जी सर तो इसमें हमने रस क्षय को भी देखा, हमने मज्जा को भी देखा, शुक्र को भी देखा, हमने इसमें वात पित्त को भी देखा, बहुत सारी चीजों को देखा, हाइपोटेंशन का भी देखा हमने, इसमें हमने कॉर्टिसोल का भी देखा, बहुत सारी चीजों का रोल देखा। जी और कोई सर, बोलना आप चाहते बहुत हैं? बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं सर, बहुत बहुत अच्छे से, कुछ भी नहीं छूटता है। मैं तो पूरा 100% नहीं करता हूं, मैं ऐसे नोट्स बनाता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि और लोग आए जुड़े, और फिर जब आप पेशेंट देखेंगे ना, जब भी आपके पास ऐसे पेशेंट आए तो दिमाग में खट 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 सब दवाई आता है,
जाए, सबको ऐसा लगे कि हम कर सकते हैं, हमको करना ही है ठीक, इनको बस करना ही है जी। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं प्लीज बोलिए, कविता मैम, विनीता मैम, प्रशांत भट्ट जी कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए, वैशाली मैम कुछ बोलना चाहते हैं? आप लोगों ने ऐसे पेशेंट देखे हैं कि उनको उठने के बाद चक्कर आ रहे हैं? पल्लवी मैम, गंगवार सर कुछ बोलिए प्लीज, प्रीति मैम, बहुत सारे लोगों तो वो शीर बला तेल का बस्ती सॉरी नस से और बस्ती से फायदा हो जाता है, जितना ब्रीहण होता है उतना जल्दी जल्दी ठीक हो जाते हैं पेशेंट। किसी को कुछ और बोलना है क्या? अरविंद सर आपको कुछ और बोलना है? हाँ, नहीं सर, सब कुछ हो गया, सब काफी कुछ कवर हो गया सर। बाकी और हम करेंगे आगे आने वाले टाइम में और करेंगे। और हेतु पे सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि वेगावरोध हो रहा है क्या, क्यों हो रहा है ये चीजें, वेगावरोध हो रहा है क्या, पेशेंट एक्सरसाइज नहीं कर रहा है क्या, विरुद्ध अन्न का सेवन कर रहा है क्या, एंग्जाइटी है क्या, काम शोक भयाद वायु ऐसा है, रात्रि जागरण है क्या, फिर बहुत ज्यादा चलना हो रहा है क्या, या फिर जो लोग विमान से बहुत ज्यादा एरोप्लेन से बहुत ज्यादा ट्रेवलिंग करते हैं कंटिन्यूअस, अभी आप अमेरिका जाना है तो नॉन स्टॉप जो फ्लाइट रहती है 18 घंटे, उनको भी ये प्रॉब्लम होती है, एक ही जगह पे बैठे रहो कोई वो नहीं है, तो हमारे उसमें बताया है कि एक ही जगह पे बैठे रहना, जो बताया ना परिहार काल में 8 चीजें जो त्यागने के लिए, बहुत ज्यादा चलना नहीं है, बहुत ज्यादा बैठना नहीं है, बहुत ज्यादा हंसना नहीं है, बहुत ज्यादा बोलना नहीं है, ये सब जो है ये वायु का प्रकोप करता है, वायु कहीं ना कहीं रुक जा रही है ना, तो ये सारा चीज हो रहा है, तो ये सब पे भी ध्यान देना चाहिए। बोलिए प्रणाम सर। प्रशांत भट्ट जी, हाँ हम आपका ही वेट कर रहे थे। सर अभी जो अभी आपने बोला ना कि ये हवाई जहाज से उड़ते हैं उसके बाद भी चक्कर आते हैं, हाँ तो मेरे पास एक पेशेंट रिसेंटली 2 दिन पहले आई थी, और उसको जिसकी उम्र करीबन 32 30 ईयर्स है, और भय शोक चिंता भयाद वायु जैसी हिस्ट्री मतलब उसके हेतु पुराने रहे हैं, और उसको दो जो मेरे पास जब आई थी तो 2 मेन सिम्टम्स लेके आई थी कि उसको चक्कर आते हैं, थोड़े बहुत भी वो चलती है तो लगता है जैसे कि उसके मतलब जो पैर है वो हवा में चल रहे हैं और चक्कर आती है, और दूसरा उसको सीवियर हेडेक होता हैगा। एलोपैथी में उन्होंने डायग्नोसिस किया था वेसिकुलर हेडेक नाम से, माइग्रेन इनको डायग्नोसिस हुआ था, और सर्वाइकल मसल स्पाज़म, स्पॉन्डिलाइटिस और वो सब चीजें भी थी। तो यहाँ पे मतलब जब मैंने उनको अपना वो रुग्ण पत्र भरवाया, वो लेके आएंगे कल, पर थोड़ी बहुत जो मेरी उनसे बात हुई तो उसमें पूरे के पूरे वात शामक हेतु थे, मतलब पूरे वात बढ़ने वाले हेतु थे, और उसमें एक मेन हेतु यही था जो 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 मतलब ट्रिगर पॉइंट था उस बीमारी का, कि चक्कर आना और हेडेक होना। उसमें उसने बताया था कि वो कहीं दुबई गई थी एक बार, तो जब वो मतलब आपका एरोप्लेन जब लैंड कर रहा था तो उसको बहुत सीवियर पेन हुआ था, इतना पेन हुआ था कि उसने वहाँ पे एयरपोर्ट पर उतर के टैबलेट खानी पड़ी थी, और यही और उसके 15 दिन बाद से उसको वहाँ पे चक्कर आना शुरू हुआ और उसको सीवियर हेडेक होना शुरू हुआ। सीटी स्कैन हो गया हैगा, ईएनटी चेकअप हो गया हैगा, वो ऑलमोस्ट सब रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है, लेकिन वो उसका वो चक्कर होना और माइग्रेन वाला जो हेडेक होता है वो ठीक नहीं हो रहा है। तो सर इसमें ये बातः शिरः शूल और भ्रम ऐसा हो रहा है ना, जी वही जी जो जी आपने जो कारण बताया वही सब हेतु है। जी ऐसे ही सेम ऐसे ही रिलेटेड एक पेशेंट मेरे पास आई जिनको ना 10 साल से एमेनोरिया है, 10 साल से, और उनका डिवोर्स हो गया है और फिर उनको हेडेक भी होता है, उनको चक्कर भी आता है, और उनका पूरा शुष्का योनि व्यापक जो बताया, अरजस का योनि व्यापक, शुष्का योनि व्यापक, मेंसेस ही नहीं आते, और एज कम है, और डिवोर्स के बाद ये सारा प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये भी कारण होता है ये सारी चीजों का, ज्यादा चिंता करना, काम शोक भयाद वायु, ये कारण होता है। हाँ तकदीर जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? तो सर यहाँ पे पूरी वही बात और ब्रह्म चिकित्सा ही करनी पड़ेगी, यहाँ पे नष्ट हाँ हो गया। हाँ कम एज में एएमएच कम होना। हाँ सर बोलिए तकदीर जी बताइए सर सर। ये प्रशांत सर जो केस बता रहे हैं ना हाँ सर, ये अगर मैं जैसे मैं थेरेपी वगैरह करता हूँ साथ में, तो हाँ उस हिसाब से सर ये सिर्फ कुछ नहीं है, ये नर्व कॉम्प्रेस होगी थोड़ी सी इनकी, उनको जब नीचे गए ना प्रेशर चेंज होने की वजह से, तो
कंप्रेशन हो गया थोड़ा सा। इसमें जी सर नसें बहुत अच्छा काम करेगा, शीर वाला तेल का, और गर्दन की और शोल्डर की मसाज, जी और कोलर बोन के एरिया में। सिर्फ जी वहीं पर जब मसाज करेंगे तो उनको वहां पर ना कुछ पेन महसूस होगी पेशेंट को, जहां पर सर, पेन ना अभी पड़ने के प्राइमरी कारण। स्टेज पे मसाज तो अलाउ नहीं करेंगे क्योंकि कंप्रेशन है, उनको मना ग्रीवा धारा दें या ग्रीवावस्थी करें नहीं, या ग्रीवन मैंने उनका नाड़ी से। सर्वाइकल एक्सरे कराया, वो नॉर्मल आया, उनको कुछ नहीं है, बस ऑस्टियोफाइट्स जरूर हमें दिख, मतलब उन्होंने तो रिपोर्ट नॉर्मल करी है, मतलब बस ऐसा भी ऑस्टियोफाइट्स ना हो में। कि हाँ और कॉम्प्रेशन बढ़ जाए, वो भी है। नहीं सर, तो बहुत यहाँ पे सॉफ्ट नस काम ही करेंगे बेस्ट हम ये। रहेगा मेरे हिसाब से, तो नस ही जी में ठीक, मतलब पेशेंट ठीक होगा इसमें, जी और बाकी जो आपका मस्तिष्क रोग में जो चिकित्सा है, जैसे सर बताते रहते हैं कि भाई पंचामृत लो, गुगुल दो यहाँ पे, है ना, यहाँ वात का शमन करो, आपका मोती पिस्टी दो ऐसे यहाँ बहुत सारे, पे, वात गज अंकुश रस, जी समीर गज केसरी रस, बृहद्वात चिंतामणि रस, बहुत अच्छे दवाई हैं। जी तो वो इसी के समय ठीक हो जाएगा ये। जी सर, जी और सर अभी बात हो रही थी ना हाइपोटेंशन की, जी तो मैंने जो केस देखे हैं कि मतलब जो स्कूल में जो लड़कियां होती थी, तो वो पेशेंट मेरे पास आते थे कि वो स्कूल आई बच्ची और एकदम खड़ी खड़ी खेलते खेलते गिर गई, और उसको लेके आए तो बीपी चेक करा तो पता चला बीपी 80-40 है, या हाइपोटेंशन यहाँ पर हो गया, तो उस पे जो तो ये देखा कि मतलब अपनी क्षमता से ज्यादा कार्य इसमें मतलब हुआ हेतु जो मैंने देखे, या कुछ रस रस धातु की दुष्टि हुई कि सुबह से आई कुछ नहीं, दूध पी के आई थी, चाय पी के आई थी, उसके बाद वो 2 बजे तक रस कुछ नहीं है। खाया, हाँ रस क्षय हुआ, 2 बजे तक उसने कुछ नहीं खाया और सडनली वो गिर गई, ऐसे जी, पेशेंट आते हैं। रस दूसरा है मतलब है, कहीं ना कहीं हाइपोग्लाइसीमिया से रिलेट हो रहे हैं, मतलब हाँ शुगर दोनों लेवल होते कम हैं, हो गया, रस धातु का क्षय भी हो गया। दोनों हो गया यहाँ पे, हाइपोटेंशन भी हुआ होता मतलब मिला। जी दूसरा मतलब मैंने देखा है कि जैसे कोई पेशेंट को बहुत लंबे समय तक लिकोरिया है, कि उसको श्वेत पत्र उसका ठीक ही नहीं होता है, बहुत लंबे समय तक वो चीज़ें होती रहती हैं, तो ऐसे पेशेंटों में बहुत मतलब मैंने देखा है कि यह हाइपोटेंशन भी आएगा। यदि पेशेंट एनेमिक है, मतलब वही रस धातु दुष्टि है मेन, तो वहाँ पे भी ऐसे केस मैंने देखे हैं। और मुझे एक अपना केस याद आ गया हाइपोटेंशन का, कि मेरे पास एक पेशेंट आई थी, और वो श्वास की पेशेंट थी, और काफ़ी मतलब उनको श्वास की मतलब बीमारी काफ़ी वर्षों से थी, करीबन 8-10 वर्षों से थी, और आखिरी समय पे उनका पूरा खाना पीना बिल्कुल बंद हो गया था, और तो उन्होंने मुझे देखने बुलाया था कि आप बता दो कि जिंदा रहेंगी, कब तक रहेंगी, क्या तो नहीं रहेंगी, तो मैंने उनको देखा था, तो मुझे उनका बीपी मतलब करीबन 80 चा मतलब 80-40, सिस्टोलिक 80 और डायस्टोलिक 40 बीपी मिला था, तो ज़्यादा वो कुछ मतलब पैसे खर्च नहीं कर सकते थे, तो मैंने मैंने खुद ने सोचा चलो यार एक प्रैक्टिकल करने का मौका भगवान ने दिया तो करा जाए, तो मैंने उनको सिद्ध मकरध्वज की एक रत्ती की गोली, मैं उनको 10 गोली दे के आया था सुबह शाम खाने के लिए, और मैंने ये सोच के दिया था कि ये श्वास पे भी काम करेगा, व्रण भी करेगा, आपके ब्रेन का भी नरिशमेंट करेगा, बात और कफ का शमन भी करेगा, और तो मैंने उसको बोला आया था कि तुम रोज इसका बीपी चेक करना और बुला लेना, हमारा लड़का आके कर जाएगा, तो करीबन 2 या 3 डोज गए होंगे और उनका बीपी ग्रेजुअली 90-50, 100-60, 170-110-80, इस टाइप का बीपी उनका आना शुरू हो गया था, और करीबन 5 दिन 6 दिन की मैं दवाई देके आया था, तो उन्हें तब तक वो दवाई खिलाई, तो मैंने उनका कहा था कि अब भैया महंगी दवाई है के पैसे लगेंगे, तो वो उन्होंने दिए नहीं मेरे लिए, और 4-5 दिन बाद वो पेशेंट कोलेप्स कर गई, तो यहाँ पे मतलब सिद्ध मकरध्वज की बहुत हाँ बढ़िया वो कहानी। सब ठीक है, लेकिन जैसे आपके स्क्रीन पे दिख रहा है अभी, तो ये बेड रेस्ट बहुत ज्यादा भी होना या इमोबिलाइजेशन, कुछ काम नहीं करे, केवल लेटे रह रहे हैं बहुत दिनों से, डिप्रेशन की वजह से या मोटापे की वजह से या कोई भी कारण से, यही हुआ ना उसकी वजह से भी। हाइपोटेंशन, तभी तो उनको हाइपोटेंशन हुआ, उनको वो लेटी थी करीबन 8-10 दिन से, 15 दिन से जी हॉस्पिटलाइज हो रही थी, घर आ रही थी, जब पैसे खत्म हो गए तो फिर घर पे रही पूरे टाइम, तो जी मैंने ये वाला केस देखा था वहां। और सर एक और चीज, इसमें शीर्षासन कितना काम करेगा? तो शीशा में बहुत अच्छा काम करेगा, आपको जी ब्लड का फ्लो ब्रेन और हार्ट की तरफ भेजना है ना, तो जी आप शीर्षासन करेंगे या आप पैरों को ऊपर लेके रखेंगे, और जितना ब्लड हाइपोटेंशन में क्या मतलब एलोपैथी में तो यही सब मतलब उनका कहना है कि भाई प्राथमिक उपचार में तो आपको यही करना है,
कि पेशेंट को हेड लो पोजीशन में कर दो, पैरों को ऊपर कर लो अपने, तो ये अपन कर सकते हैं। और इसमें जो मेरे अनुभव हैं, मेरे 4 ड्रग हैं इसमें मैं देता हूँ, और इसमें मतलब मिनटों में ये दवाइयाँ काम करती हैं। कौन से? अच्छा अर्जुना रिस्ट, इसमें अर्जुन का चूर्ण आप दे सकते हो, सिद्ध मकरध्वज। यहाँ श्रृंग भस्म का बहुत अच्छा रोल है, यहाँ पे मोती पिष्टी का बहुत अच्छा रोल है, और यहाँ पे प्रवाल पिष्टी। ये दवाइयाँ आप देते हैं तो इमिजिएटली बीपी, मतलब जो फॉल बीपी है वो एकदम बढ़ता आएगा। आप कभी भी देके देखिए जी। नहीं ठीक है, इस टॉपिक पे और कोई कोई बोलना चाहते हैं क्या? आप लोगों को कैसा लगा आज का सेशन? कुछ नया सीखने को मिला? कुछ बोलिए प्लीज, ऐसे सब लोग मंत्रमुग्ध हो गए सब सुन के। ठीक है, तो अभी हम सेशन बंद करते हैं, फिर अब हम 8:15 पे मिलते हैं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। थैंक यू।